नवजात बच्चे को जंगल में छोड़ने के मामले पर खरसिया पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल बच्ची प्रार्थिया सरपंच के देवर की संतान निकली। बताया जा रहा है कि सरपंच के देवर का बेवा महिला के साथ संबंध था, जिससे बेवा महिला ने बच्ची को जन्म दिया था और भरण पोषण के लिए सरपंच के देवर के घर छोड़ाई थी, जिसे मनगढ़ंत कहानी बनाकर जंगल में छोड़ दिया गया था। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच में जुटी हुई है। दरअसल वाकया कुछ इस प्रकार है। सोनबसरा की रहने वाली एक बेवा महिला ग्राम सोनबसरा के फूल सिंह राठिया के लड़के संजय राठिया, जो कि सरपंच का देवर है, उससे संबंध था, जिसे पैकरा राठिया दोनों ने स्वीकार भी किया है। वहीं महिला ने 29/10/2019 को अपने घर में जन्म दिया और डर से बच्ची को भरण पोषण हेतु फूल सिंह के घर जाकर यह बच्ची तुम्हारी है कहकर सौंप आई, जिसे फूल सिंह राठिया सरपंच मितानिन व संजय राठिया ने बच्ची को पहाड़ झरना किनारे मिलना बताकर झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई। वहीं विवेचना की रिपोर्ट में झूठा पाए जाने से संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त मामले के खुलासे में एसडीओपी पीताम्बर पटेल, खरसिया थाना प्रभारी सुमत राम साहू, थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही। वहीं मां के द्वारा जानकारी होने पर पुनः बच्ची को प्राप्त करने का आवेदन किया गया है। इधर अपने देवर को बचाने सरपंच द्वारा रची गई झूठी कहानी पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 30 तारीख को 112 की टीम को सूचना मिली थी कि सोनबरसा में पहाड़ के किनारे एक नवजात बच्ची मिली है, जिसे गांव के ही फूलसाय राठिया द्वारा देखा गया और उसको लाकर घर पे रखे हैं। तो उसके बाद 112 की टीम ने जाके नवजात बच्ची को लाया था और जिला यहाँ सिविल हॉस्पिटल में उपचार के बाद जिला अस्पताल रायगढ़ रिफर किया गया था, जिसके बाद चाइल्ड केयर में बच्चे को सौंपा गया था। इस पर खरसिया थाने में 462/19 धारा 317 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जांच के दौरान तथ्यों के ऊपर जो है संदेह होने पर बारीकी से जांच किया गया तो पूरा जो रिपोर्ट था वह जो है झूठा पाया गया। इसमें वर्तमान में पुलिस को जो नवजात बच्ची थी उसकी माता जो है मिल गई है और उसके बताए अनुसार आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो बच्ची की माता है उसका संबंध फूलसाय राठिया के बेटे संजय राठिया से उसका संबंध था। बच्ची को जन्म देने के पश्चात उसने पालन पोषण के लिए उनके घर में वह 29 तारीख को देकर आ गई थी बच्ची को। तो उसको बच्ची को फूलसाय राठिया के यहाँ 29 तारीख से थी, जबकि 30 तारीख को इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बना करके पुलिस को एक झूठी इत्तला दिए कि झरना के किनारे उनको बच्ची मिली है। तो वर्तमान में अभी जो झूठे रिपोर्ट लिखाए हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई आगे की जा रही है। और साथ ही साथ जब महिला को उसकी बच्ची की जो माँ है उसको पता चला कि उनके द्वारा बच्ची को पालन पोषण न करके इस प्रकार से झूठा एक कहानी बना करके उसकी बच्ची को भेज दिया गया है, तो बच्ची की माँ ने पुनः जो है आवेदन प्रस्तुत किया है कि वह बच्ची को रखना चाहती है, तो उस संदर्भ में भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें सर बच्ची की माँ या जो पुलिस है उनके विरुद्ध कोई अपराध फिलहाल दर्ज किया गया है? अभी तो अपराध जो दर्ज है उसका विवेचना चल रहा है। उस अपराध के आधार पर उसमें जो गलत सूचना लिखा है और अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है फूलसाय और उसके पुत्र और उनके उससे संबंधित जो भी हैं उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।